देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा यह संसद में सांसदों को भेजता है। यदि कोई पार्टी केंद्र में सत्ता में बने रहना चाहता है या पार्टी केंद्र में सरकार बनाना चाहता है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर भी गुजरता है। 2019 में जब चुनाव होंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उस राज्य में किसकी सत्ता है। तो यह चुनाव कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सफलता पाई और उसके पश्चात बहुत सारे राज्यों में उसे विधानसभाओं में सफलता मिली, कहीं हार भी मिली, दिल्ली में उसे हार मिली, बिहार में उसे हार मिली, लेकिन कई राज्यों में उसे सफलता भी मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वह जो लोकसभा चुनाव के दरमियान जो उसे सफलता मिली है उसे वह दोहराना चाहेगी, और कांग्रेस जरूर ये चाहेगी कि जो उसका नया समीकरण बना है उससे वह भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सके, ताकि 2019 के चुनाव में एक नया गठबंधन की शुरुआत हो सके। सर, हमारा दूसरा सवाल है कि अब तक हम लोग हिंदी पट्टी की चुनावी राजनीति को धर्म और जाति की राजनीति के आसपास देखते हैं, हमें लगता है कि वहाँ और कुछ हो ना हो धर्म और राजनीति तो चलेगा ही। आपके नज़रिए से, आपके विश्लेषणात्मक नज़रिए से आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति की राजनीति का क्या स्वरूप निकल के आएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनावी माहौल है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि जो राजनीतिक पार्टियां होंगी वो राजनीतिक पार्टियां धर्म, जाति और भाषा के मुद्दे को नहीं भुनाएंगी, इलेक्शन में उसका प्रयोग नहीं करेंगी। लेकिन इस किस हद तक सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इनके बीच की रेखाएं बहुत पतली हैं, बहुत संकरी हैं। कब धर्म पे यदि मान लेते हैं, कल मायावती जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, तो यह कौन प्रकार का अल्पसंख्यक है? यह भी तो एक धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक की ही बात हो रही है, यह भी तो उसकी सीमा के अंदर आता है। तो चुनाव में ये चीज़ें चलेंगी, मुझे नहीं मालूम है कि इलेक्शन कमीशन इसको कितना रोक पाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी है, ये सारी पार्टियाँ जीतने के लिए लड़ रही हैं, और जब हम जीत ही हमारा महत्वपूर्ण विषय रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जाति, संप्रदाय, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी चलेंगी और सारी पार्टियां कर रही हैं। यदि आप जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं उनका यदि आप स्वरूप देख लें तो, और सोशल मीडिया में उस पर कमेंट्स देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई बहुत बड़े राजनीतिक, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, इसमें साफ साफ दिखता है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रख करके और जो अंकगणित धर्म के आधार पर कहाँ पर किसके पक्ष में जाता है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके चुनाव के मैदान में खास करके समाजवादी पार्टी और BSP, ये दोनों तो खुदा ऐसी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसका अपवाद है, लेकिन सारी पार्टियाँ इन आज के दिन में, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी पार्टी ऐसी पार्टी है जो भाषा, संप्रदाय, जाति ऐसी चीज़ों से ऊपर उठ करके और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर बात करें। कमोबेश सारी पार्टियां करती हैं। आकलन ये करना होगा कि कौन सी पार्टी सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर लड़ रही है, ये देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण। सर, हमारा तीसरा सवाल आपके दूसरे सवाल का ही विस्तार है। चुनाव नज़दीक है बिल्कुल, और मुस्लिमों के वोट बैंक की राजनीति भी अपने उफान पर है। हर दल कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो है वो मुस्लिमों को आकर्षित करे चुनाव में, इस बारे में आपका क्या नज़रिया है? बहुत मज़ेदार बात है कि इस देश में यदि हिंदुओं की बात की जाती है,
हिंदू पोलराइजेशन की बात होती है, वहाँ तो सांप्रदायिकता का चोगा पहना दिया जाता है, लेकिन वहीं जब मुस्लिम की बात की जाती है, अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, तो उसमें बड़ा कोई इसे नहीं कहता है कि यह जो मुस्लिम है वह भी तो एक धार्मिक उन्माद की बात हम कर रहे हैं। यदि हम ये कहते हैं, कल जा कर के ये कहते हैं कि हिंदुओं को एक पार्टी पक्ष में वोट करना चाहिए, तब तो उसे सांप्रदायिकता करार दिया जाता है। और यदि मुस्लिम मोबिलाइजेशन होता है, दलित मोबिलाइजेशन होता है, जाति के नाम पर होता है, धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों का मोबिलाइजेशन होता है, तो उसे वह धर्मनिरपेक्षता के नारे के साथ जोड़ देते हैं। यह दोनों में एक बहुत बड़ा यह है, यह ढोंग है, यह पाखंड है, और इस राजनीतिक पाखंड को यह पूरी जनता जानती है कि इसमें सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक मुस्लिम मतों का सवाल है, एक बात तो तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती हैं। मैं नहीं मानता, एकाध दो अवश्य अपवाद होंगे, एकाध परसेंट का अपवाद हो सकता है, 0.5% का अपवाद हो सकता है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ और मेरा कोई इस प्रकार का आकलन नहीं है। किसी आज तक सेफोलॉजिस्ट ने भी इस ढंग से निश्चित तौर पर यह आकलन नहीं किया है कि कितना पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों ने वोट किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जब वो लखनऊ से लड़ रहे थे, तो ऐसा कहा जाता था मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके उनके ये में हिस्सा लिया था। लेकिन ऐसा देखना होगा कि मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में किसकी ओर जाता है, समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है या BSP की तरफ जाता है। समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, और ये माना जाता था कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझ करके मुस्लिमों को सबक सिखाने के लिए दंगे करवाए, ताकि एक तरफ तो उनकी पिटाई हो और दूसरी तरफ उनको जो सहायता पहुंचा करके उनके अपने पाले में खींचा जा सके। तो ये दो फ्रंट पे समाजवादी पार्टी ने पूरे अपने उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में ये काम किया है। अब मुसलमानों को ये तय करना है कि वो उसकी तरफ जाते हैं या BSP की तरफ जाते हैं। सर, एक अंग्रेजी अखबार ने हाल में कहा था कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में दरअसल ऐसा दिखता है कि दो डेवलपमेंट मॉडल के बीच भी एक टकराव है, मोदी वर्सेस अखिलेश। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के बरस हम जो है बिपाशा मॉडल, बिजली पानी सड़क के मॉडल की जो बात करते थे, उसको और इंटेंसिव वे में जाके इस बार बात कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है, यदि आप जब हम चुनावी गणित को देखते हैं उत्तर प्रदेश में, तो मुझे नहीं लगता है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग रही है? क्या BSP विकास के नाम पर वोट मांग रही है? और जब भी रीजनल पार्टी के साथ होता है, एक समय था जब नीतीश कुमार जब लड़ रहे थे तब भी कहा जाता था विकास मॉडल, दो विकास मॉडल के बीच में यह प्रतिस्पर्धा है, लेकिन हमने देखा कि बिहार का चुनाव जो है वो शुद्ध जातीय और सांप्रदायिक राजनीति के एक प्रकार का गठबंधन था, उसके आधार पर चुनाव वहाँ पर लड़ा गया। कोई भी रीजनल पार्टीज के नेता को यदि खड़ा करना होता है अखबारों को या पार्टियों को, तो इसी रूप में वो बताना शुरू कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक गुजरात मॉडल चूँकि था, तो उसके साथ ही इसकी प्रतिस्पर्धा। उत्तर प्रदेश और गुजरात में ज़मीन और आसमान का अंतर है, ठीक है ना, चाहे वो सड़क हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो, मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, जो एजुकेशन में एनरोलमेंट की बात हो, इसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह विकास के मॉडल, दो विकास मॉडल की प्रतिस्पर्धा है, यह शुद्ध और शुद्ध जातीय गणित के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। सर, राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा शुरू किया गया समरसता अभियान, कहा जाता है कि इसमें दलितों को जोड़ने की एक मुहिम है, क्या इसे चुनाव के पूर्व भी एक रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, ऐसा वही लोग कहते हैं जिनको राष्ट्रीय संघ, स्वयंसेवक संघ के बारे में समझ ही नहीं है। वो जैसे कोई, हम कहते हैं कि सीजनल बर्ड्स होते हैं, कभी कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ उनका आंखें चली जाती हैं, तो वो देखना शुरू करते हैं, इसलिए वो पढ़ना शुरू करते हैं। संघ का सामाजिक समरसता अभियान कभी भी राजनीति से प्रेरित नहीं रहा है। दूसरी बात, संघ का सामाजिक समरसता अभियान आज से नहीं, पिछले 60 वर्षों से अनवरत चलता आ रहा है।
बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सेवा भारती क्षेत्रों में काम करती है, बनवासी कल्याण आश्रम काम करती है, सेवा मंडल जो हैं कि उसके कई कम से कम 132 प्रकल्प हैं वे उसके काम करते हैं, तो इनको समझ ही नहीं है कि संघ किस प्रकार से समाज के क्षेत्र में काम करती है। संघ का जो काम है समाज के अंदर वह राजनीति के लिए नहीं है, वह समाज निर्माण के लिए है। वह हिंदू समाज कैसे उसमें समरसता स्थापित हो, हिंदू समाज कैसे संगठित हो, उसकी सोच कैसे संगठित हो, वह कैसे अपने को चुनौतियों से अपने आप को बाहर निकाले, इससे प्रेरित रहती है। यही उसका उसकी निष्पत्ति है, यही उसका उपसंहार है, यही उसका प्रेरणा भी है। सर, हमारा आखिरी सवाल है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में 89 ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा पहले चुनाव नहीं जीती है, तो एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि इस बार उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए भाजपा कुछ विशेष रणनीति अपनाएगी? देखिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है और उस विशिष्ट चुनावी क्षेत्रों के लिए वो क्या कर रही है, लेकिन इन्हीं 83 सीटों में आप देखेंगे कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस था तो वहाँ पर बहुतों में यह लीड कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। सो इसलिए यह कहना जरूरी ये मानना पड़ेगा कि जो सीटें वो कल तक नहीं जीती हैं वो इस इलेक्शन में नहीं जीतेंगी, ऐसा नहीं है। राजनीति का खेल जो है वो बहुत अनिश्चितताओं से भरा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर ऐसे उसके मन में कहीं ना कहीं होगा कि चूंकि ये विधानसभाएं हम पहले नहीं जीते हैं इस और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, चूंकि हमने वहां पर बहुत अच्छा किया है, बाकी पार्टियों से हमने ज़्यादा वोट वहां पर मिले हैं, तो मुझे लगता है कि वो सफलता को, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहेगी।